नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्व मित्र और द मसला में मसला। आज ये कि हरियाणा का बजट आज पेश किया गया। आपको इंतज़ार था कि हरियाणा का बजट कैसा होगा और उस बजट में आपके लिए क्या कुछ होगा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये बजट पेश किया है। पहली बार उन्होंने बजट पेश किया है क्योंकि इस बार वो वित्त मंत्री भी हैं। ये बजट की कॉपी मेरे पास है, अच्छी खासी मोटी कॉपी है और इस पूरी कॉपी को मुख्यमंत्री साहब ने विधानसभा में पढ़ा है। इसमें लिखा है कि सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या किया और आगे आने वाले सालों में गठबंधन सरकार क्या करने वाली है, वो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों। दरअसल मुख्यमंत्री ने एक श्लोक पढ़ा इस किताब में लिखा है और लिखा है कि जिस तरह से सूर्यवंशी शासक अपनी प्रजा के बारे में सोचते थे, प्रजा के हित के लिए करते थे, ठीक वैसा ही प्रयास वो कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं हरियाणा के लोगों के लिए। मुख्यमंत्री साहब ने कुछ सपने भी दिखाए हैं दोस्तों, हालांकि सपने पूरे भी होते हैं, लेकिन ये जो सपने मुख्यमंत्री साहब ने दिखाए हैं, एक साल बाद पता चलेगा कि इन सपनों में से कितने सपने पूरे हुए हैं, ये आप ही हमें बताएंगे। सो दोस्तों, इस किताब में जो सपने दिखाए गए हैं वो मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। मुख्यमंत्री साहब ने जो बोला है, मुख्यमंत्री साहब ने बोला है कि हर दिन सुबह जल्दी उठकर खेतों, फैक्ट्रियों और दुकानों की तरफ काम पर जाने वाला हर मेहनतकश आम हरियाणवी अपने जीवन को सुगम होता और अपनी आय को बढ़ता हुआ पाएगा। अपने बच्चों को सरकारी स्कूल छोड़ते समय सभी हरियाणवी आश्वस्त होंगे कि उनके बच्चों को वहां अच्छी शिक्षा मिलेगी। अपने निकट संबंधियों का हाल पूछने के लिए किसी भी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में जाने वाला हर हरियाणवी निश्चिंत होगा कि वहां उसे सर्वोत्तम चिकित्सा मिलेगी, डॉक्टरी मिलेगी। हर हरियाणवी परिवार अपने को खुशहाल होता और अपने सभी युवा सदस्यों को या तो रोजगार में लगा या रोजगार के लिए हुनर हासिल करता देखेगा। राष्ट्र की सीमाओं पर प्रहरी के रूप में खड़े हमारे सैनिक और अर्धसैनिक बलों का हर हरियाणवी जवान आश्वस्त होगा कि उसके परिवार की सुरक्षा तथा कल्याण की ओर प्रदेश सरकार का पूरा ध्यान है। हर भारतीय और विदेशी निवेशक हरियाणा में निवेश करने को उत्सुक होगा। तो ये बड़ी बातें हैं दोस्तों, इनको हम सपने कह सकते हैं कि ये होने वाला है हरियाणा में। खैर, पता चलेगा जैसा हमने आपको बताया दोस्तों। अब मोटी मोटी बातें मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह कहा कि क्योंकि पहले सीएम और एफएम अलग अलग होते थे, यानी फाइनेंस मिनिस्टर और सीएम, तो वित्त मंत्री जो बजट पेश करते समय ये सोचता था कि कहीं मुख्यमंत्री नाराज ना हो जाएं, कि उनको खुश किया जाए। इस वक्त मैं दोनों हूं, यानी कि सीएम भी हूं और एफएम भी हूं, तो इसलिए मेरे लिए सब बराबर हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने सीएम का मतलब कॉमन मैन बताया कि कॉमन मैन के लिए बजट है जो सीएम और एफएम पेश करने जा रहा है। वहीं इस पर विपक्ष के नेता यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सीएम और एफएम की जो बात कही है मुख्यमंत्री साहब ने, तो मेरे लिए एफएम का मतलब है फेल्ड मैन। सो दोस्तों, ये हुआ है आज। अब मैं मोटी मोटी बातें आपको बताता हूं दोस्तों, जिस बात का आपको इंतजार है। मैं मोटी मोटी बातें ही बताऊंगा इस बजट के बारे में और फिर आप हमें बताना कि आपको ये बजट कैसा लगा। जो चीजें आपके लिए बोली गई हैं, आपको उसमें कितना दम लगा है और आप इस बजट के बारे में क्या सोचते हैं। सो दोस्तों, आप अच्छा महसूस कीजिए सबसे पहले तो, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय यानी प्रति व्यक्ति जो आमदनी है वो देश के दूसरे हिस्सों से दोगुनी है। यानी कि भारत के दूसरे जो हिस्से हैं, राज्य हैं, वहां पर जो प्रति व्यक्ति आमदनी होती है उससे हरियाणा वालों की दोगुनी है। तो इस बात को सोचकर आप खुश हो जाइएगा और आप अपना सीना चौड़ा कर लीजिए। अब मोटी बातें हम आपको बताते हैं दोस्तों। कुल ये जो बजट है ये 1,42,348 करोड़ से ज्यादा का बजट है जो पेश किया गया मुख्यमंत्री साहब की ओर से। अब क्या है कि बेसहारा जो पशु, जो मुद्दा हमने पहले भी उठाया था कि जो गाय हैं उनकी हालत क्या है,
बजट पहले भी बढ़ाया गया था और एक बार फिर उस बजट को बढ़ाया गया है, यानी कि बेसहारा पशु जो हैं उनसे निपटने के लिए, उन पर नियंत्रण करने के लिए, उनको संभालने के लिए अब बजट 30 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपया कर दिया गया है। दोस्तों ये एक बड़ी बात है। अगली बात जो है, सरकार जो है वो कहती है कि जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कॉलेज के आखिरी साल में उनको निःशुल्क यानी कि फ्री में पासपोर्ट बनाकर दिया जाएगा। मतलब अगर बच्चा बाहर जाके पढ़ना चाहता है, नौकरी करना चाहता है तो वो जाए, यानी के लिए अगर आप कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं तो फिर यहाँ नौकरी के लिए इंतज़ार मत कीजिएगा, आप बाहर भी जा सकते हैं, बाहर पढ़ने के लिए या रोज़गार करने के लिए। मतलब नौकरी के लिए सरकार आपको ये नहीं कहती कि आप यहीं बैठे रहिएगा, तो इसलिए पासपोर्ट बनाकर दिए जाएंगे फ्री में। अगली जो बात है दोस्तों वो ये कि कृषि के लिए स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए अच्छा पैसा दिया गया है इस बार। सो दोस्तों कृषि के लिए 6481 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, अच्छा खासा बजट है अगर सही से काम किया जाए किसानों के लिए। तो क्या है कि अगले 3 साल में 1 लाख एकड़ में जैविक और प्राकृतिक खेती का विस्तार किया जाएगा। 1 लाख एकड़ में सरकार का ये टारगेट है, जैविक और प्राकृतिक खेती की जाएगी। अब क्या है कि मंडियों में किसान जब फसल लेकर जाता है तो क्रॉप ड्रायर लगाए जाएंगे, यानी कि किसान अपनी फसल वहां पर सुखा ले और वहां पर सुखाने के बाद वो बेच सके, उसको यहां पर वहां पर सुविधा मिलेगी, ये सरकार ने कहा है। अगली बात शिक्षा की करते हैं। शिक्षा के लिए भी अच्छा बजट है, शिक्षा के लिए बहुत बड़ा बजट रखा गया है, 19,639 करोड़ से ज्यादा का बजट है। सो दोस्तों क्या है कि 3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्ले स्कूल बनाए जाएंगे, ठीक है, पहले आंगनवाड़ी है उसके बाद सरकारी स्कूल में बच्चे जाते हैं। तो आप प्राइवेट की तर्ज पर सरकार कहती है कि 3 से 6 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनके लिए 4,000 प्ले स्कूल बनाए जाएंगे पूरे हरियाणा में। 119 सरकारी आदर्श सांस्कृतिक जो स्कूल हैं वो अगले 1 साल में 119 और बढ़ाए जाएंगे, यानी कि अंग्रेजी मीडियम में अगर बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहता है तो 119 स्कूल और बनाए जाएंगे। 8वीं की बोर्ड के एग्जाम होंगे जो पहले होते थे बीच में बंद कर दिए गए, अब 10वीं से पहले 8वीं में भी बोर्ड का एग्जाम होगा, ये एक बड़ी बात है। अब क्या है कि मिड डे मील में अब हर रोज दूध मिला करेगा, जो बच्चों को खाना मिलता है स्कूल में अब मिड डे मील में हर रोज दूध भी मिलेगा, ये सरकार ने कहा है। और सभी स्कूलों में आरओ का वाटर मिलेगा, सरकार ने कहा है कि सभी सरकारी स्कूलों में आरओ का वाटर मिलेगा बच्चों को। क्या है कि अगले साल में 18 सरकारी कॉलेज खोले जाएंगे, और जैसा मैंने बोला कि पासपोर्ट बना के दिया जाएगा जो कॉलेज में लास्ट ईयर के बच्चे हैं उनको, सभी कॉलेजों में सीसीटीवी के कैमरे लगाए जाएंगे, 2000 के करीब जो सीसीटीवी कैमरे वो लगेंगे, और कुल बजट का 15% हरियाणा बनने के बाद सबसे ज़्यादा बजट है। सरकार का कहना है कि हरियाणा बनने के बाद से कुल बजट का 15% पैसा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, अच्छी बात है, शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, सही तरतीब से खर्च होना चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य बने। रोजगार की बात करते हैं, रोजगार पर 416 करोड़ रुपए का बजट। रोजगार में क्या है कि अगले 1 साल में 25,000 लोगों को प्राइवेट रोजगार दिया जाएगा, ये सरकार ने कहा है 1 साल में, और अगले 2 सालों में 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये सरकार ने कहा है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। अगला स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य पर भी 6533 करोड़ का बजट है। दोस्तों क्या है कि जिन परिवारों की जो आमदनी है वो 1,80,000 रुपए से कम है, और अगर जमीन या इसके अलावा जमीन जो है वो 5 एकड़ से कम है तो फिर उनको आयुष्मान योजना की तरह ही 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा, यानी कि वो अपना इलाज करवा सकते हैं। आगे है सभी जिलों में जो कैथ लैब है, सरकारी जो अस्पताल है वहाँ पर कैथ लैब भी होगी, एमआरआई भी होगा, सीटी स्कैन भी होगा, डायलिसिस भी होगा, और इसके अलावा कैंसर
के इलाज के लिए जो कीमोथेरेपी होती है वो भी सभी सरकारी अस्पतालों में मिलेगी सुविधा। क्या है कि सभी जो लोग हैं हरियाणा के, सभी की शारीरिक पूर्ण शारीरिक जांच होगी, आपके पूरा बॉडी फुल बॉडी चेकअप होगा फ्री में, और इसमें ऑनलाइन हेल्थ कार्ड आपको मिलेगा। ये एक अच्छी बात है अगर ऐसा होता है तो। क्या है कि यमुनानगर, कैथल, सिरसा, भिवानी, जींद, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ये सरकार ने बोला है। सड़कों की बात कर लेते हैं, अगले साल में 232 करोड़ रुपए की लागत से 81 सड़कों का निर्माण किया जाएगा, सड़कों का निर्माण। और एक गांव से दूसरे गांव के बीच में अगर 5 करम से ज़्यादा की चौड़ी सड़क है तो उन सभी सड़कों को पक्का किया जाएगा। पानी के लिए क्या है कि तकरीबन 6.5 लाख घरों में पानी का कनेक्शन और दिया जाएगा अगले साल में। 6.5 लाख घरों में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा, पानी की टूटी लगेगी दोस्तों। बिजली के लिए भी अच्छा खासा बजट है दोस्तों, 7,302 करोड़ रुपए का बजट है। 31 दिसंबर किसानों के लिए, आप सुन लीजिए, जो ट्यूबवेल के कनेक्शन की बात आप करते हैं और सरकार कहती है कि हम देंगे, सरकार ये कह रही थी कि 31 मार्च से पहले 5-6 हज़ार ट्यूबवेल के कनेक्शन दे देंगे, तो सरकार ने इस बजट में कहा है कि 31 दिसंबर 2018 से पहले जिन किसानों ने अप्लाई कर रखा था, पैसे वैसे भर रखे थे, उनको ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए जाएंगे, और बाकी जो है, जो नए कनेक्शन है वो सूक्ष्म सिंचाई या भूमिगत पाइपलाइन पर आधारित होंगे। यानी कि नए कनेक्शन, ट्यूबवेल के कनेक्शन मिलना अब आसान नहीं होगा, इस पर कठोर हो रही है सरकार। उनको लगता है कि नीचे जो पानी है वो खत्म हो रहा है, इसलिए फैसला सरकार जो है वो लेने वाली है। 24 घंटे लाइट देने की कोशिश की जाएगी सभी जिलों में। सरकार का कहना है कि काफ़ी सारे जिलों में 24 घंटे की हम लाइट दे रहे हैं। पंचायतों के लिए क्या है दोस्तों कि जिला पार्षद जो हैं, जो जिला पार्षद हैं उनको हर साल 20 से 25 करोड़ रुपया विकास कार्यों के लिए दिया जाएगा कि वो अपने उस इलाके में विकास कार्य करवा सकते हैं। शहरी विकास जो है, जो शहर में लोग रहते हैं, कुछ शहरों में क्या है कि 18 घंटे पानी दिया जाएगा, कोशिश की जाएगी, और आवारा पशु मुक्त किया जाएगा उन शहरों को, पार्कों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, उनको संवारा जाएगा, और जो चौराहे हैं, चौक हैं, सार्वजनिक जो जगह है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे दोस्तों। तो ये मोटी मोटी बातें थी इस बजट के बारे में। ये देखने और सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं और होना भी चाहिए। दरअसल दिल्ली में जो नतीजे आए हैं उसके बाद तकरीबन सभी को लगने लगा है कि विकास करना पड़ेगा, और जो 3-4 मूलभूत चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य जो है उसके लिए, किसानों के लिए कृषि हो गया, बिजली और पानी, इस पर काम करना होगा, और उसी को ध्यान में रखकर अच्छा खासा बजट इस बार हरियाणा सरकार ने तैयार किया है, देखना होगा। हालांकि विपक्ष कहता है कि कर्जा बहुत हो गया है, यानी कि कर्जे से सरकार चल रही है, इसलिए कर्जे का बोझ बढ़ रहा है और ये सब मायाजाल है। बजट का पूरा मायाजाल इस तरह से बिछा दिया कि असलियत के अंदर जो है उसके अंदर कितना क्या करेंगे वो तो जो है टाइम आने पे पता चलेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि आज हमारी सरकार जो है, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस कह रही हूँ, बीजेपी की सरकार, ये वित्तीय संकट से जूझ रही है। आप ये देखिए, इन्हीं के आंकड़ों के मुताबिक 2020-21 के अंदर 1,98,700 करोड़ का कहते हैं इनकी डेट लाइबिलिटी है। इनकी जो है रेवेन्यू रिसीट्स जो मैं पढ़ रही थी वो है 37.61%, मतलब जो पैसा जो अंदर आएगा, और बोरोइंग स्टेट की है 32.8%। आप समझ रहे हो, तो ये पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? व्हाट आर द, हाउ आर दे गोइंग टू ब्रिंग दिस? इसका मतलब कर्जा लेके कर्जे के ऊपर और आप वो दीजिए, इंटरेस्ट दीजिए, फिर कर्जा और लीजिए, फिर और इंटरेस्ट दीजिए, तो ऐसे तो काम नहीं चलता। और खास तौर से ये सरकार एक गठबंधन की सरकार है। गठबंधन इसलिए हुआ क्योंकि बहुत बड़े बड़े वायदे लोगों को करके इन्होंने सरकार अपनी बनाई। अब जो वो गठबंधन सरकार के जो मुखिया हैं उन्होंने ये बात कही कि 11,000 रुपये हम प्रति व्यक्ति जो बेरोजगार है उसको देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। ठीक है, आज के दिन आपने उसका कहते कोई जिक्र ही नहीं करा है। अब बेरोजगारी हमारे हरियाणा के अंदर सबसे चरम सीमा पर है, और वो आपने उसका बजट एलोकेशन करना चाहिए था।
और नहीं करके आपने स्पष्ट कर दिया है कि ये तो सारे के सारे झूठे वायदे हैं और वो झूठे वादों के बलबूते के ऊपर आप लोगों ने सरकार बनाई, तो जनता जो है वो दूध का दूध पानी का पानी समय पे करे। सो दोस्तों, आपका क्या कुछ सोचना है इस बजट के बारे में? आप भी अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर लिख कर भेजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और द मसला चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, यूट्यूब पर भी बेल आइकन दबा लें और साथ में फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें ताकि जो अगला मसला होगा आपसे जुड़ा हुआ, हरियाणा से जुड़ा हुआ, देश प्रदेश से जुड़ा हुआ, वो आप तक उसी समय पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।